जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीनियस में। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस 49,568 भर्ती से संबंधित दोस्तों सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, 16 दिसंबर 2019 की सबसे बड़ी खबर आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, नियुक्ति यूपी पुलिस को मिले 20,964 सिपाही। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है दोस्तों पूरा मामला आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई अगर आप भी सेकंड कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि आपकी जो सेकंड कट ऑफ है वो कब तक आ सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब गया तेल लेने, लाइक गया भाड़ में, हम डायरेक्टली दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर दोस्तों इस न्यूज को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों वही न्यूज है जो दोस्तों थंबनेल में लगी हुई थी, तो दोस्तों आप इसको यहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहां पर लिखा है, नियुक्ति यूपी पुलिस को मिले 20,964 सिपाही। तो दोस्तों ये खबर दोस्तों आपको मैं बताने से पहले बता दूं कि ये खबर दोस्तों आपको लखनऊ ई पेपर में मिल जाएगी, यानी कि 16 दिसंबर 2019 के ई पेपर में दोस्तों आपको ये खबर मिल जाएगी, हिंदुस्तान ई पेपर में, और सबसे पहले पेज पर दोस्तों आपको ये खबर मिल जाएगी। आप दोस्तों वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में प्रशिक्षु महिला सिपाहियों की दीक्षांत परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों से पारदर्शी तरीके से 80,000 से युवक युवतियों को पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया, साथ ही बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को पदोन्नतियाँ भी दी गईं। इसी के साथ प्रदेश पुलिस को 20,964 नए सिपाही मिल गए। उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। दीक्षांत परेड जैसे कार्यक्रम में दर्शक के रूप में बच्चों को बुलाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे परेड देखेंगे तो उनके मन में पुलिस बल का हिस्सा बनने की इच्छा उत्पन्न होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष पुलिस बल के लिए घेरे वाक्य बजट में कई गुना वृद्धि की, अच्छे कार्य के लिए पुलिस कर्मियों को सेवा मेडल भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री दोस्तों यहां पर मौजूद थे और उन्होंने दोस्तों यहां पर कहा कि उन्होंने दोस्तों यहां पर 80,000 से युवक युवतियों को पुलिस बल का हिस्सा बनवाया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ लीजिए। दोस्तों 80,000 का मतलब दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि दोस्तों अभी आपकी जो पुलिस वाली जो वैकेंसी है अभी बाकी है, वो दोस्तों बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, लेकिन दोस्तों अभी तक 80,000 ही दोस्तों यहाँ पर कवर किए गए हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, परेड के दौरान बेहोश हो गई 7 प्रशिक्षु महिला सिपाही। लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइंस लखनऊ में पासिंग आउट परेड के दौरान 7 प्रशिक्षु महिला सिपाही बेहोश हो गई, हालांकि थोड़े समय में ही वे होश में आ गई। दीक्षांत परेड तो शाम 3 बजे से होनी थी, लेकिन सुबह से ही उनका रिहर्सल हो रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर सामने निकल आ रही है ये दोस्तों 41,520 वैकेंसी की है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि दोस्तों 41,520 वैकेंसी दोस्तों ये न्यूज है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं 41,520 जो यहाँ विद्यार्थी थे उनका दोस्तों कल यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हुई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 20,964 ये दो जो सिपाही हैं दोस्तों ये सिविल के हैं। अब दोस्तों कल से, यानी कि दोस्तों आज 16 दिसंबर 2019 से दोस्तों आज जो पीएससी के सिपाही हैं वो दोस्तों अपनी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ सिविल की जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हुई है और आज से दोस्तों पीएससी की ट्रेनिंग दोस्तों आज से चालू है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 41,520 यहाँ विद्यार्थी बैठ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 20,964 सिपाही हैं दोस्तों, ये 20,964 जो सिपाही हैं दोस्तों ये सिविल के हैं, ये सिविल के दोस्तों इनकी यहाँ पर कसम परेड सब चीज़ हो गई है। अब दोस्तों इनको यहाँ पर सिर्फ ड्यूटी का इंतजार है कि इनकी यहाँ पर जो ड्यूटी है वो कब लगने वाली है। अब दोस्तों यहाँ बारी आ गई दोस्तों इनकी पीएससी वालों की। जी हाँ दोस्तों, पीएससी वालों की दोस्तों यहाँ पर बारी आ गई है। अब दोस्तों उनका दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग चलने वाली है 6 महीने तक, यानी कि दोस्तों आज से वो ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं अगर आपके गांव पड़ोस से दोस्तों कोई भी पीएससी में सिलेक्टेड हुआ है तो दोस्तों वो आज यानी कि 16 दिसंबर 2019 से दोस्तों ट्रेनिंग के लिए जा रहा होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो खबर है 41,520 की, आप दोस्तों इसे 49,568 में बिल्कुल भी ना जोड़ें। जी हाँ दोस्तों, 49,568 में इसे कोई विद्यार्थी ना जोड़े। दोस्तों मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि 41,520 वैकेंसी की दोस्तों खबर है, ना कि 49,568 की।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ये जो सिपाही उत्तर प्रदेश को मिले हैं 20,964, ये कौन सी वैकेंसी के हैं। ये दोस्तों 41,520 वैकेंसी के हैं, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट में फिर ये कहोगे कि सर ये तो 41,520 के हैं, आप हमें बेकार बता रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बताते चलता हूँ कि दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बाद में वो कमेंट कर देते हैं। अब चलिए फ्रेंड दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सेकंड कट ऑफ है उसको लेकर दोस्तों क्या न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, ये 49,568 की दोस्तों यहाँ पर खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर क्या कहा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस भर्ती 30 और जाएंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, 49,568 वाली वैकेंसी में दोस्तों 30 जो विद्यार्थी हैं वो दोस्तों जेल और जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 49,568 में दोस्तों यह 30 विद्यार्थी और जेल जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज इस वीडियो में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कोई पुरानी न्यूज दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये कब की खबर है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये आगरा, यानी कि दोस्तों आप इस खबर को दोस्तों आगरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, या दोस्तों आप आगरा के हिंदुस्तान ई पेपर में दोस्तों जाकर इस खबर को पढ़ सकते हैं। 16 दिसंबर 2019 की दोस्तों ये खबर है, आपको ये खबर वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा है अब तक 20 दबोचे। जी हाँ दोस्तों, अब तक यहाँ पर जिसने दोस्तों भर्ती में फर्जीवाड़ा कहा है वो दोस्तों यहाँ से 20 दबोचे जा चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अब 30 और जाएंगे जेल, यानी कि 10 विद्यार्थी अभी ऐसे बचे हुए हैं जो दोस्तों अभी तक यहाँ पर जेल नहीं गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ताज नगरी में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया सुर्खियों में है। इतने मुन्ना भाई अभी तक प्रदेश में किसी दूसरे जिले में नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस की माने तो 20 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जिनके नाम पर परीक्षा में बैठे थे वे भी जेल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा दी है और जिनके नाम पर दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर जेल जाने वाले हैं। 10 ठेकेदारों को भी जानकारी मिली है। इस तरह अभी तक हुई कार्रवाई में 30 आरोपियों की तलाश है। जी दोस्तों, अभी तक यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आगरा से ही दोस्तों 30 विद्यार्थी पकड़े जा चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कैसे जाएंगे 30 और जेल। अब दोस्तों समझ लीजिए कि कैसे जाएंगे 30 और विद्यार्थी जेल। SSP बबलू कुमार ने बताया, अभी तक 20 आरोपित जेल गए हैं, इनमें 16 फर्जी अभ्यर्थी और एक सरगना शामिल थे। ये आरोपित लिखित परीक्षा में बैठे थे, जिसे सरकारी नौकरी दिलाने का ठेका लिया था, वे भी इस फर्जीवाड़े में बराबर के दोषी हैं। उन्होंने नौकरी पाने के लिए लाखों रुपये में दूसरे को ठेका लिया दिया था, अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में शामिल होने भेजा। उनकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। जांच में 10 ठेकेदारों की जानकारी मिली है। उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर उन युवकों को अपनी जाल में फंसाया था जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे। जो भी जेल जाएगा उसे कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों यहां पर देख लीजिए कितनी बुरी खबर दोस्तों उनके लिए है। दोस्तों यहां पर देख लीजिए, जो भी दोस्तों विद्यार्थी जेल जाएगा उसे दोस्तों जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। सभी मुकदमों में जल्द से जल्द चार्जशीट पेश की जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके लिए दोस्तों कितनी बुरी खबर है, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर अपनी नौकरी पाने के लिए दूसरों को दोस्तों ठेका दिया था कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमारा पेपर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कितनी बुरी खबर। दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर सिर्फ नौकरी वही दिला सकती है आपकी मेहनत। जी दोस्तों, सिर्फ आपकी मेहनत दोस्तों आपको यहाँ पर नौकरी दिला सकती है। अब दोस्तों जितनी आप मेहनत करेंगे इतनी दोस्तों आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं यूपी पुलिस में सिपाही बनने के। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कितने साथी लोग हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सातिर, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर आ रहे थे फर्जी अभ्यर्थी। जी दोस्तों, उनकी पहचान ना हो इसलिए दोस्तों यहाँ पर दाढ़ी मूछ बढ़ाकर दोस्तों फर्जी अभ्यर्थी आ रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस भर्ती प्रक्रिया 27 दिसंबर तक चलेगी। दोस्तों आपकी जो यहाँ प्रक्रिया है वो 27 दिसंबर तक चलने वाली है, एक न्यूज़ ये सामने निकल कर आ गई है। पुलिस अस्पताल के पीछे बनी RTC बिल्डिंग में यह प्रक्रिया चल रही है। वहाँ तक पहुँचने को लिए 3 जगह सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को इनसे होकर वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। दूसरे सुरक्षा घेरे में ही फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, जो बच जाता है तीसरे पर उसकी पोल खुल जाती है। कई फर्जी अभ्यर्थी तो दाढ़ी मूछ तक बढ़ाकर आ रहे हैं ताकि फोटो मिलान में नहीं पकड़े जाएँ। बायोमेट्रिक में उनकी पोल खुल जाती है। दोस्तों उनकी जो बायोमेट्रिक हो रही है उनकी पोल दोस्तों बायोमेट्रिक में ही खुल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सुरक्षा, फोटो मिलान में अधिकांश ही खुल जाती है पोल। दोस्तों फोटो जब मिलान नहीं हो पाता है तो उनकी वहाँ पर दोस्तों पोल खुल जाती है। सबसे पहले अभ्यर्थी तहसील चौराहे पर पहुँचता है जहाँ पुलिस तैनात है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाता है, उसे वहाँ से पुलिस हॉस्पिटल के सामने मैदान में भेज दिया जाता है। मैदान में पुलिसकर्मी और TCS कंपनी के कर्मचारी अभ्यर्थी और उसके द्वारा भेजे गए फॉर्म में चस्पा फोटो का मिलान करते हैं। ज़्यादातर फर्जी अभ्यर्थी इसी में पकड़े जाते हैं।
कुछ बच भी जाते हैं। यहाँ से अभ्यर्थी को 50-50 की संख्या में आरटीसी बैरक में भेजा जाता है। वहीं प्रमाण पत्रों का मिलान होता है, जहाँ प्रमाण पत्रों के मिलान से पहले बायोमेट्रिक कराया जाता है। अब दोस्तों बायोमेट्रिक में दोस्तों यहाँ विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी कैसे भी नहीं बच पाएगा। अगर दोस्तों जिस विद्यार्थी ने फर्जीवाड़ा किया है वो दोस्तों किसी प्रकार से नहीं बच सकता, उसको दोस्तों तीन पैनल में गुजरना होगा। तीन पैनल में दोस्तों उसे किसी ना किसी पैनल में दबोच लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, क्यों दोस्तों यहाँ विद्यार्थी और पकड़े जा रहे हैं। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया नहीं कि हमारी जो सेकंड कट ऑफ है वो कब तक आएगी। मेरे भाई आप सबसे पहले इंतजार कर लीजिए 27 दिसंबर का, ये आपके न्यूज़ ही आपके लिए न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, जब तक दोस्तों 27 दिसंबर यानी कि आपका जो DPST चल रहा है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके बाद ही दोस्तों आपकी यहाँ पर सेकेंड कट ऑफ आने वाली है मेरे भाई। उसके बाद ही आपकी सेकेंड कट ऑफ आएगी 27 दिसंबर के बाद, क्योंकि 27 दिसंबर के बाद दोस्तों आप सभी का यहाँ पर DPST समाप्त हो रहा है और भर्ती बोर्ड देखेगा कि हमारे पास कितने ऐसे अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो दोस्तों हमें यूपी पुलिस में चाहिए। अगर दोस्तों भर्ती बोर्ड को लगता है कि हमारे पास कम विद्यार्थी हैं तो वो सेकेंड कट ऑफ दोस्तों 100% लगाएगा। अगर दोस्तों भर्ती बोर्ड को नहीं लगता है कि हमारे पास अभी पूरे विद्यार्थी हैं, हमारा काम हो जाएगा, तो दोस्तों भर्ती बोर्ड अपनी आपकी जो सेकेंड कट ऑफ है उसे दोस्तों रनिंग के बाद ही लगाएगा। दोस्तों लगाएगा जरूर, ये 100% है, लेकिन दोस्तों कब लगाए ये दोस्तों इस वीडियो में हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों भर्ती बोर्ड जो है उसके दिमाग को हम नहीं बता सकते कि भर्ती बोर्ड के दिमाग में क्या चल रहा है। अब दोस्तों मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि दोस्तों यहाँ पर 34,000 विद्यार्थी बचते हैं रनिंग के बाद। अब दोस्तों आपकी अगर रनिंग से पहले वो लगाता है तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर 60,000 विद्यार्थी बचते हैं, तो भाई 60,000 विद्यार्थी उसके लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि रनिंग में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ निकलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड कट ऑफ वो आपके रनिंग से पहले भी लग सकता है और रनिंग के बाद भी, वो दोस्तों भर्ती बोर्ड के ऊपर है वो कब लगाए। लेकिन दोस्तों 100% आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ है सेकंड कट ऑफ दोस्तों वो आने वाली है, चाहे दोस्तों कोई विद्यार्थी कुछ भी कहे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ बताता हूँ कि भाई आपकी सेकंड कट ऑफ आकर ही रहेगी। अगर दोस्तों आपको नहीं लगता है कि सेकंड कट ऑफ नहीं आएगी तो भाई मेरी वीडियो आप कल की वीडियो देख लेना, उसमें दोस्तों मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि भाई सेकंड कट ऑफ क्यों आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो भाई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए, बस दोस्तों इस वीडियो को मेरे भाई शेयर जरूर कर दीजिए। जी दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को मेरे भाई शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दोस्तों उनको भी पता चल सके कि भाई आखिरकार भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।